दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें जिसे आप जिंदगी में पहली बार देखेंगे। नंबर एक पर है बास्केटबॉल बिल्डिंग। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद ये बिल्डिंग एक बड़ी टोकरी जैसे लगती है। इस बिल्डिंग को द लोंगा बर्गर नाम की एक कंपनी ने बनवाया है जो कि टोकरियां बनाने का काम करती है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा हैंडल भी लगाया गया है ताकि ये बिल्डिंग बिल्कुल टोकरी जैसा ही दिखाई दे। इस बास्केट बिल्डिंग को बनाने में 2 साल का समय लगा था। दूसरे नंबर पर है क्वाडोस वाटरफॉल। ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब वाटरफॉल है। पहली बार देखने पर आपको ये एक नेचुरल वाटरफॉल जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि एक नेचुरल नहीं बल्कि मैनमेड वाटरफॉल है। इसे इंसानों ने बनाया है। इसकी गहराई 5000 फीट तक है। इस टनल के सीमेंट और ग्रेनाइट में पौधे लगाए गए हैं जिसके कारण ये देखने पर बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल जैसा ही दिखाई देता है। इंजीनियर द्वारा बनाए गए एक शानदार स्ट्रक्चर का ये बेहतरीन नमूना है। तीसरे नंबर पर है पुलिस राइडिंग बफेलो। दोस्तों, हम आवाजाही के लिए साइकिल, बाइक, कार और एरोप्लेन तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल की पुलिस वहाँ उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों के लिए आज भी भैंस का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, वो पिछले 25 सालों से परिवहन के लिए भैंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक और मुख्य कारण ये है कि वो पानी पर भी बड़ी आसानी से और तेजी से चल लेते हैं। चौथे नंबर पर है थिकेस्ट हॉर्न। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे बुल के बारे में बताने वाले हैं जो अपने सिंह की वजह से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुका है। इस बुल का नाम लुर्ज है। ये बुल अपने मोटे सिंह की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर है। इसके सिंह का साइज 107 सेंटीमीटर है। छठवें नंबर पर है फावल्स। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई शहर का धरावी भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहाँ सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही 7 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में मुंबई के धरावी से भी बड़ा स्लम एरिया है। जी हाँ, ब्राजील में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस जगह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।